मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जिस्पा। आज है मेरा इस ट्रिप का तीसरा दिन। ये ट्रिप यानी कि हमारी लद्दाख की ट्रिप। आज मैं हूँ जिस्पा में। सुबह के बज गए हैं लगभग 5 और हम लोग रेडी हैं जाने के लिए। ठंड बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पर जिस्पा में। रात करीब 3-3 लिहाफ लेने के बावजूद ठंड जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बहुत ही तेज़ हवा थी, अभी भी बहुत ज़्यादा तेज़ हवा है। कपड़े भी बड़ी मुसीबत से पहने हैं। प्लान है आज हमारा डायरेक्ट यहाँ से निकल के लेह पहुँचने का। रास्ते में कम से कम स्टॉपेज लेंगे क्योंकि रास्ता लंबा है, रास्ता ख़राब भी है और हमें रात होने से पहले पहले लेह पहुँचना है। 6 बज गए हैं और इस टाइम टेम्परेचर आप देख सकते हो 3 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पर। हाथ जो हैं वो जमे जा रहे हैं। चलो पार्टी करी, खुल के मजा आ गया। पुत 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 करके ये वल्गर बातें मत करो, ये लॉग में ये डॉक्टर को लॉग है। मजा आ गया भाई। प्लान तो था हमारा निकलने का 7 बजे का, क्योंकि हमने सोचा था कि अगर ज़्यादा सवेरे निकलेंगे तो ऐसा ना हो कि बारला छपे हमें रोड पे बर्फ़ वगैरह मिले। लेकिन अभी 2-3 यहाँ से ट्रैवलर जाते हुए हमने देखे, कुछ ट्रक्स भी गए हैं, तो अंदाज़ा ये हो रहा है कि शायद अब रूट ठीक ही होगा। अब टाइम बच गया है 6:14 यानी करीब 6:15 और हम लोग रेडी हैं। वैसे प्लान था 7 का निकलने का, लेकिन अभी नाश्ता तैयार नहीं है तो हम सोच रहे हैं रास्ते में कहीं पर नाश्ता कर लेंगे। गाड़ी हमने लगा दी अपनी कोल्ड स्टार्ट पर। पार्टी अपनी पूरी रेडी है, हम भी रेडी हैं। ऑलमोस्ट हाफ फ्राई करके निकलते हैं यहाँ से। टाइम फॉर आवर ब्रेकफास्ट। अभी हम लोग जिस्पा में ही हैं, लेकिन क्योंकि हमारे टेंट्स के अंदर अभी अवेलेबिलिटी नहीं थी ब्रेकफास्ट की, तो हम सोच रहे हैं कि जिस्पा में ही कर लें, क्योंकि जहाँ से आगे आके ज़्यादा कुछ मिलने की संभावना नहीं है। एक छोटा सा ढाबा टाइप हमें दिखा है जहाँ पर हम लोग चाय नाश्ता करेंगे। पीछे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे और भी थे, लेकिन वो सब के सब अभी बंद ही हैं। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आज अभी से ही सब लोगों की बोलती टाइप बंद हो रही है। लोग अभी से थोड़ा थोड़ा सा टेरिफाइड फील कर रहे हैं। ये तो बेचारे मासूम पहली बार जा रहे हैं, इन्हें कुछ नहीं पता। ये सोच रहे हलवा है, हलवा हलवा ही है। नाश्ता हो गया अपना और अब हम लोग रेडी हैं जाने के लिए। ऑलरेडी कितना बज गया, 6:18 हो रहे हैं, 53 मिनट हो रहे हैं, यानी 7 ऑलमोस्ट बज गए। जो हमारा टारगेट था वही हो गया है। यहाँ से गूगल मैप समय दिखा रहा है करीब 9 घंटे का रास्ता, लेकिन प्रैक्टिकली मुझे लगता है करीब 11-12 घंटे लग ही जाएंगे। क्रॉस कर चुके हैं और अब थोड़ी थोड़ी चढ़ाई शुरू हो गई है हमारी। यहाँ से अब करीब आधा या पौन घंटे के बाद आएगा दीपक ताल और उसके बाद आएगा बारालाचला। बारालाचला पे सुना है काफ़ी ज़्यादा बर्फ है टॉप पे, तो मज़ा आएगा इंशाल्लाह, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो हम लोग मस्त से चल रहे हैं, लेकिन आज हमारी जो टीम है थोड़ी सी वो खामोश है और टीम की एक मेम्बर को हमारे एज यूजल खांसियाँ होनी शुरू हो चुकी हैं। जो रास्ता है ये जाता है शिंकुला के लिए, लेकिन हमें जाना है बारालाचला से, तो हम जाएंगे इस साइड में। अगर हम सीधे चले जाते तो हम पहुंच जाते शिंकुला और जंस्कार वैली। हमारे लेवल पे आ गए हैं ऑलमोस्ट, आप सामने देख सकते हो। नीचे से जो हमें छोटे छोटे पहाड़ दिख रहे थे वो अब हमारे करीब करीब सामने ही है। बस थोड़ा सा ऊपर और रह गया है, हम लोग ऑन द वे हैं बारालाचला के।
पिछले एक घंटे से ऑलमोस्ट हम लोग इसी तरह के टूटे फूटे ऑफ रोडिंग वाले रास्ते पे चल रहे हैं। बहुत ही नैरो सा इस टाइम ये रास्ता आ गया है। राइट में मेरे है सूरज ताल, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रही है। अनफॉर्चुनेटली दिखा नहीं सकता क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल पैंगोंग की तरह ब्लू पानी लग रहा है इसका। हम लोग पहुँच गए हैं बारलाचला टॉप पर। आप देख सकते हो ये है बारलाचला टॉप, जिसकी जो हाइट है वो है 4,850 मीटर, यानी करीब 15,000 फीट की ऊंचाई है इस पास की। और काफ़ी अच्छा सुकून वाला माहौल है, ज़्यादा भीड़ भाड़ इस बार नहीं है। लास्ट टाइम काफ़ी भीड़ थी, बट इस टाइम बहुत कम भीड़ है, लेकिन बर्फ़ काफ़ी कम है। पिछली बार पूरा यहाँ पे पूरे में बर्फ ही बर्फ थी, लेकिन इस बार सिर्फ वो दूर दूर ही बर्फ़ दिख रही है। कैसा फील कर रहे हैं आप? सही, फर्स्ट क्लास एकदम, ऑल गुड अब्दुल्ला, ऑल गुड। हम लोग अब उतरने लगे हैं बारलाचला से, और उतरते टाइम ज़्यादा ऑफ रोडिंग है क्योंकि बर्फ इस साइड में ज़्यादा है। छोटा सा ब्रेक है ये, क्योंकि गाड़ी के अंदर गर्मी लग रही है, पसीने आने लगे मुझे, और गाड़ी के बाहर ठंड है। लेकिन अब आगे मौसम ज़्यादा ठंडा नहीं होगा क्योंकि बारलाचला हमने ऑलमोस्ट क्रॉस कर ही लिया। नीचे हम लोग आ गए हैं, ये देखो कितना प्यारा है यहाँ का व्यू। ऑलमोस्ट ये वैली है, वो जो टॉप वाले आप पहाड़ देख रहे हो वहाँ हम ऊपर कहीं थे बारलाचला पे, और वहाँ से उतर उतर के पूरा नीचे हम लोग आ गए। ये वैली बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है मुझे। तो गर्मी की वजह से फ़िलहाल जैकेट उतार दी है ताकि थोड़ा कंफर्टेबल फील हो गाड़ी में, पसीने और हैं। अब थोड़ा सा पानी वानी पीते हैं और फिर आगे चलते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम लोग रुके हैं क्योंकि बहुत ही प्यारा सा ये एक लोकेशन थी, बहुत ही प्यारी सी लोकेशन थी। नीचे ये बहुत ही खूबसूरत सी नदी है, चारों तरफ वैली है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सीनिक व्यू है। तो सोचा कि क्यों ना यहाँ पे एक 5 मिनट का ब्रेक लिया जाए और अच्छे से फ़ोटो खिंचवाया जाए। हम लोग पहुँच गए हैं सरचू, और सामने जो आपको ये ग्रीन बोर्ड दिख रहा है ये है सरचू की चेक पोस्ट, जहाँ पे हम अभी रुकेंगे और अपनी एंट्रीज कराएंगे। सुबह के 10 बजे हैं, हम लोग निकले थे लगभग कितने, 6:30 बजे, लगभग 7 बजे हम लोग निकले हैं। तो ऑलमोस्ट 3 घंटे में हम सरचू आ गए। सो फार सो गुड, बढ़िया चल रहा है सब कुछ। ये अब्दुल दादा जा रहे हैं हमारे एंट्री कराने के लिए, एंट्रीज का सारा जिम्मा इनको सौंप दिया हमने, हर जगह ये उतर के जाते हैं। और आगे से अब हम ऐसे जाएंगे, ऐसे घूम के हमें उस साइड जाना है, वो सामने जो आप देख रहे हो टेंट्स, उस साइड। ऑलमोस्ट शायद हम लोग लद्दाख में एंटर हो गए हैं, और लद्दाख में एंटर होने के बाद अब आगे और कोई चेक पोस्ट तो शायद नहीं आएगी, पहली शायद लद्दाख की और आखिरी यही है। शायद वहाँ पे होती है जो बिल्कुल लेह में एंटर होने से पहले, जहाँ आरटीपीसीआर के टाइम में थी, अब नहीं होती। अब नहीं होती, चलो। काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े गड्ढे हैं यहाँ पे, बहुत ही संभाल संभाल के सब लोग निकाल रहे हैं। बहुत भयानक वाली ऑफ रोडिंग, कोई बात नहीं। अच्छा, वो मैंने फुल गोल काट दी थी, दिखा रही था वो ना। ये देखिए, जाना है हमें, बहुत ही खतरनाक वाली ऑफ रोडिंग, बेहतरीन ऑफ रोडिंग। पीछे बहुत ही ज्यादा बड़ा सा एक गड्ढा था, फील आ रहा है कि लद्दाख नहीं, शॉर्टकट बनाया हुआ शायद बाइकर बाइकर। ये है साहब सारचू, ये है भाई असली लद्दाख का मजा। वहां से हम आए, वहां तो भाई जाम लग गया, अब तगड़ा हम सही निकल गए। बहुत अब इधर से ट्रैफिक गई और उधर वो फंसी हुई है, वो अर्टिगा फंसी हुई है। एक बार फिर से हमें यहाँ पे एंट्री करानी होगी अपनी। ये आप जो देख रहे हो अंकल जी, यूपी 23 एंट्री करनी है। तारिक, 4 लोग हैं। ग्रेटा, थैंक यू। सरचू पहुंच गए हम लोग, और सरचू का ये जो उस मोड़ से लेके जो
ऑफ रोड था ना, काफ़ी ज़्यादा टफ था, और हमारे इनफैक्ट बिल्कुल पीछे वाली जो गाड़ी थी अर्टिगा वो फंस भी गई, तो उसके पीछे और लंबा जाम लग गया। थैंकफुली हम लोग पहले निकल आए थे उससे, और गाड़ी माशाल्लाह बढ़िया परफॉर्म कर रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हम लोग अभी रुके हैं यहाँ सरचू में टेंट्स पे, पानी हमारे पास ख़त्म हो गया है, तो पानी वानी ले लेते हैं आगे के लिए, ताकि रास्ते में कोई प्रयास ना हो। हेलो, ये अब्दुल्ला भाई हमारे मूत्र विसर्जन करते हुए, इधर हम जूम करके दिखाएंगे। अब्दुल्ला इधर देखो, अब हम दिखाते हैं आपको अब्दुल्ला को आगे से। काफी लंबा ब्रेक हो गया हम लोगों का, रुके तो थे सिर्फ चाय पीने के लिए 5-10 मिनट के लिए, लेकिन चाय के साथ साथ जो हम लोग खाने पीने को सामान लाए थे वो भी खा लिया, मैगी भी खा ली, थोड़ा सा फ्री भी हो गए, फोटो वोटो भी खिंचवा लिया, और थैंकफुली आज यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हमें नहीं हो रही है, अच्छा फील हो रहा है सो फार सो गुड। आगे चलते हैं और देखते हैं आगे हमारे लिए क्या क्या मिलता है आगे। हम लोग अभी हैं पांग वाले रास्ते पे, शायद अभी जो लाचुंगला पास आना है ना, शायद लाचुंगला पास अभी आना है हमारा नेक्स्ट, और रास्ते में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लोकेशन हम लोगों को दिखी, तो सोचा कि यहाँ क्यों ना यहाँ पे रेस्ट किया जाए और थोड़ी देर ये नज़ारों का मज़ा भी लिया जाए। बहुत ही खूबसूरत समा है चारों तरफ का, आप देख सकते हो। सारचू के बाद करीब 10-15 किलोमीटर तो रोड अच्छा है, लेकिन उसके बाद गाटा लूप से जो पतला पतला रोड स्टार्ट होता है ना ये वाला, तो अगर कोई गाड़ी सामने से आ रही है तो बहुत दिक्कत हो रही है उस केस में। वैसे फिर भी मक्खन है बहुत बढ़िया है, लास्ट ईयर के मुकाबले तो बहुत ही अच्छा है। सब लोगों की बैटरी डाउन हो गई है, मेरी भी बैटरी डाउन है, पीछे वाली भी पार्टी सब टून है, कोई किसी का चेहरा नहीं है, कोई बोल नहीं रहा। जब से वो मोरे प्लेन्स आया उसके बाद से अभी तक कंटिन्यूसली ख़राब रोड ही चल रहा है, सिंगल रोड इस टाइप का पतला पतला सा चल रहा है, तो इस पर थकान ज़्यादा हो जाती है, सिग्नल डाउन हो चुके सबके। ये है नकीला टॉप, इसकी हाइट है 15,547 फीट, और थोड़ी सी मतलब कहना चाहिए थकावट भरी राइड ड्राइव के बाद हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। रास्ता पीछे का काफ़ी ज़्यादा नैरो है, तो थोड़ी दिक्कत का सामना हो रहा था, और सांस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चढ़ रहा है मेरा, क्योंकि हाइट काफ़ी ज़्यादा है। ये देख सकते हो हमारी टीम पूरी फोटो वोटो खिंचवाने में मस्त है, अपन भी जल्दी से फ़ोटो खिंचवाते हैं और फिर चलते हैं यहाँ से। पास से हम लोग आ गए नीचे, यहाँ बिल्कुल वैली में हम लोग हैं, इससे उतरे हैं इस वाले पहाड़ से, और हमें इस वाले पहाड़ पे चढ़ना है ऊपर, और यहाँ पर कुछ टेंट्स वगैरह हैं, तो चाय वाय पी लेते हैं हल्की फुल्की। वो इस वाले पहाड़ से आए हैं नीचे, पूरा ऊपर का रास्ता क्रॉस करके, और ऊपर से हम लोग आ गए हैं यहाँ इस वैली में, और इस वैली से अब हमें फिर ऊपर चढ़ना है, और वो जो आप देख रहे हो छोटे छोटे, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये छोटे छोटे पहाड़, ये देखो ट्रक जा रहा है ऊपर, और जूम करता हूँ, ये देखो यहाँ ऊपर की साइड हमें जाना है, सामने आपने देखो गाड़ी आ गई है तो वो रुक गया ट्रक वाला, और अगर दूर से दिखाऊँ तो कुछ ऐसा सा लगता है, ये जा रहे हैं छोटे छोटे ट्रक। इन ट्रक्स के साइज़ को देख के आपको अंदाज़ा हो सकता है कि ये पहाड़ कितने बड़े हैं, चींटी की बराबर इसमें ट्रक लग रहे हैं पूरे। बहुत ही अमेजिंग व्यू होता है, और ये व्यूज़ ही हैं जो कि इंसान को बार बार खींचते हैं अपनी तरफ, मुझे भी तीसरी बार खींच चुके हैं। ये है इन टेंट्स के अंदर का नज़ारा, थोड़ा सा आप देखो, थके हारे आए हो बाइक चला के या लंबा सफ़र करके, तो थोड़ा बहुत आराम भी यहाँ कर सकते हैं, पीने के लिए चाय कॉफ़ी वगैरह भी आपको मिल ही जाएगा यहाँ पर। अभी तक कैसी जर्नी चल रही है साहब? बढ़िया बढ़िया, ऑल गुड, जोश हाई, जोश आई आवाज़ से तो नहीं लग रहा ये
ऑल गुड है, नो प्रॉब्लम। थोड़ी थकान हो गई यार। हाँ थकान हो गई, ये जो लास्ट स्ट्रेच था ना जो ऑफ रोडिंग वाला, ये बहुत खराब था। गाटा लूप से जो शुरू हुआ है, एक डेढ़ घंटे से बहुत ज्यादा ऑफ रोडिंग हो रही है जिसकी वजह से थक गए हम। सबके सिग्नल टाइट हो रहे हैं, मेरे सिग्नल तो ज्यादा टाइट नहीं है, थोड़ी सी थकान, मतलब हल्की थकान है, वैसे सिग्नल टाइट तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ थोड़ी थकान सी है बस, इतनी तो होगी यार। कल में चाय वाय पी लेंगे तो अच्छा लगेगा। हम लोगों ने ऑर्डर किया है यहाँ पे हनी लेमन जिंजर टी सबके लिए, थोड़ा अच्छा फील होगा उसे पी के, एनर्जी भी आएगी और थोड़ा हेल्थ के लिए भी अच्छी है यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड में। पी के कुछ आया मजा नहीं, फ्रेश हो गया मामला, बहुत अच्छी चाय बनाई है। हाँ लेमन हनी जो चाय थी बहुत ही बढ़िया थी, पी के एकदम फ्रेश भी हो गया और टेस्ट भी बड़ा अच्छा था। रिवर कभी हमें नजर इतने पास नहीं आएगी नजर। अच्छा 16,000 की ऊंचाई पे लग रहा है ऐसा, जैसे नीचे आ गए। हम लोग अभी भी 16,000 फीट की ऊंचाई पे हैं, लग ऐसा रहा है जैसे हम बहुत नीचे आ गए, क्योंकि हम थोड़ी देर पहले बहुत ऊपर थे। और यहाँ बैठ के बड़ा सुकून मिल रहा है, सच में बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा है। ये पानी पीने का बहुत ज्यादा दिल चाह रहा है ये वाला, लेकिन थोड़ा सा डर है दिल में कि अगर इसमें कोई इन्फेक्शन हुआ या कोई ऐसा पैरासाइट हुआ तो ऐसा ना हो कि घर जाते जाते रूम ले जाते जाते पेट खराब हो जाए, कोई दिक्कत हो। तो टू बी ऑन द सेफर साइड नहीं पी रहा, वैसे चांसेस कम है इसमें इन्फेक्शन होने के, लेकिन रास्ता लंबा है, जगह अनजान है, तो रिस्क लेना सही नहीं है। डर तो बहुत ज़्यादा रहा था मैं कि नहीं पीऊँ, लेकिन रहा नहीं जा रहा इसलिए पी रहा हूँ, ऊपर वाले का नाम लेके, अल्लाह का नाम लेके। लाजवाब बिस्लेरी मिनरल वाटर सब फेल। कैसा लगा? मजा आ गया, शानदार। हाँ जम गए, पानी पी तो लिया है लेकिन हाथ एकदम जम गए मेरे, बहुत ही ज्यादा ठंडा पानी है, एकदम लाल हो गए हाथ जम के, कुछ काम नहीं हो रहा हाथों से, लेकिन मज़ा आ गया। बहुत ही शानदार पानी है, बहुत ज़बरदस्त पानी है, ऐसा पानी लाइफ में नहीं पिया कभी, इतना अच्छा पानी है। थोड़ा सा घर भी लेके जाएंगे साथ में अपने पीने के लिए, सेहत के लिए भी अच्छा है पानी। नदी का पानी पी के एक अलग ही तरह की एनर्जी फ्रेशनेस फील हो रही है, क्यों अब्दुल्ला? बिल्कुल भाई, बहुत तगड़ी मज़ा आ गया, मतलब एक ऐसी एनर्जी आ गई बॉडी में जैसे कुछ एनर्जी ड्रिंक पी ली या पता नहीं क्या हो गया, माइंड फ्रेश हो गया और बहुत मजा आया, दिल कर रहा था भाई कि चिल्लाओ, सच में बहुत अच्छा लगा। टाइम हो गया है 3:41 और हम लोग पहुंच गए पांग, क्रॉस कर दिया इनफैक्ट पांग, और अब यहां से चढ़ाई शुरू होगी हमारी। चढ़ने के बाद आएगा मूरे प्लेन्स और उसके बाद आएगा टांगलांगला। तो अभी बजे हैं जैसे कि आप देख सकते हो 3:42 हो गए, तो मेरे ख्याल में हम लोग सही टाइम पे जो हमारा टारगेट था उसके हिसाब से हम लोग पहुंच जाएंगे, सही टाइम पे टांगलांगला क्रॉस कर लेंगे।
कांगलंग ला पास पे। लास्ट ईयर जब इस पास पे आया था तो बहुत ही ज़्यादा शाम हो गई थी और उसकी वजह से बिल्कुल भी ना तो रुक पाया और कहीं ना कहीं एमएस की प्रॉब्लम भी हो रही थी। तो आज दो बार के बाद आज ऐसा मौका मिला है कि इस पास पे आकर फ़ोटो खिंचवाने का टाइम है मेरे पास। लगभग 17,000 समथिंग फीट कारदुंगला के बाद सेकंड हाईएस्ट पास है ये इस रीजन में। एक छोटा सा शायद कैफेटेरिया भी है जहाँ पर आप चाय कॉफ़ी वगैरह भी पी सकते हो। ये लोगों ने अपनी मन्नत के लिए या शायद कुछ रिलीजियस पर्पसेस से ये यहाँ पर लगाए हुए हैं। तो अब ज़्यादा यहाँ पे टाइम नहीं लगाना है क्योंकि सांस बहुत ज़्यादा चढ़ रहा है, तो फटाफट से चलते हैं यहाँ से, थोड़ी देर बस फोटो वोटो खिंचवा लें फिर आगे चलते हैं। इस टांगलंगला पे आपको ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा कमी मिलती है कि जो ऑक्सीजन है हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है और इसी वजह से ये हेडेक और चक्कर वगैरह आने की प्रॉब्लम होती है। और इसी वजह से ये भी बताते हैं कि यहाँ पे ऐसे एल्टीट्यूड पे ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहिए। अभी मैंने जस्ट अपना मेजर किया है SpO2 तो 82 आ रहा है और ऑक्सीजन कम होने की वजह से जो ब्लड ने पम्पिंग है ना वो बढ़ा दी है, तो हार्ट रेट आ रहा है 90, जबकि ना कुछ ज़्यादा भाग दौड़ करी है ना कुछ, आराम से गाड़ी में बैठा हूँ। तो ऐसे एल्टीट्यूड्स पे जब भी आते हैं आप तो कोशिश करिए ज़्यादा देर नहीं रुकना है, हार्ट से हार्डली 5 to 10 minutes, मैक्सिमम 15 minutes, इससे ज़्यादा नहीं रुकना टू बी ऑन द सेफर साइड, क्योंकि थोड़ी सी देर में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कई बार बढ़ जाती है और ये AMS की जो प्रॉब्लम है ना एकदम से आती है, आपको अंदाज़ा भी नहीं होता और तब तक एकदम से सिम्टम आएंगे और आप घबरा जाओगे। पूरे लेह मनाली हाईवे पे कहीं पर भी आपको बर्फ़ नहीं मिलेगी। मैं बात कर रहा हूँ 2022 जून का महीना है और आज है 26 जून। पूरे रूट पे सिर्फ 12 अलाचला पे थोड़ी बहुत बर्फ, मतलब वो भी बिल्कुल ऐवें ही दिल को बहलाने वाली बर्फ आपको मिलेगी। ये टांगलंगला पास मशहूर था अपने बर्फ के लिए क्योंकि यहाँ पे 12 महीने ऑलमोस्ट टॉप पे बर्फ रहती थी, लेकिन यहाँ पर भी इस बार बर्फ बिल्कुल नहीं मिल रही है। थोड़ी सी बर्फ ये साइड पे बस जरूर है लेकिन टांगलंगला के हिसाब से बहुत ही ज्यादा कम बर्फ है। शायद ग्लोबल वार्मिंग का ये एक नतीजा है जिसकी वजह से गर्मी बढ़ रही है और ये बर्फ वगैरह जो है वो ख़त्म होती जा रही है। हम लोग टांगलंगला से नीचे आ गए हैं और अचानक से हमारे साथ उमेर भाई जो है उनकी तबीयत ख़राब हो गई है, थोड़ा उन्हें वॉमिटिंग सेंसेशन हो रहा था तो गाड़ी रोक दी है, वॉमिटिंग भी उनको आ गई है। दोपहर जो उन्होंने फ्राइड राइस खाए थे सारे के सारे एज इट इज़ निकल गए हैं। क्यों फ्राइड राइस का मतलब यार साबुत निकले फ्राइड राइस के इतने बड़े बड़े और मुझे भी खिला रहे थे खाने अच्छे लगा भाई काम करो। देखो ज्यादा फ्राइड राइस चीजें खा रही नहीं चाहिए, सिंपल सिंपल मैं इसी वजह से मैंने मैगी भाई सिंपल सी चीज भाई हमने सिंपल सिंपल खा लिया, ब्रेड ऑमलेट। और अब बस यहाँ से थोड़ी बहुत मेरे ख्याल में 90 किलोमीटर रह गया है ले, वैसे रुकना तो था किसी रेस्टोरेंट पे लेकिन फिलहाल क्योंकि तबीयत ख़राब थी तो रुक गए हैं। आगे कोई रेस्टोरेंट आएगा तो रुकेंगे, चाय वाय पियेंगे फिर आगे चलेंगे क्योंकि अब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो पासेस वाला सिलसिला था वो तो ख़त्म हो चुका है। गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लेह लद्दाख। मैं हूँ इस टाइम लेह लद्दाख में और अभी बजे हैं सुबह के 12:30 या दोपहर के 12:30 कुछ भी आप बोल सकते हो। अभी लास्ट सीन में आपने देखा था कि हम लोग टांगलंगला से जस्ट उतरे और उतरने के बाद उमेर की तबीयत ख़राब हुई, हमने एक ब्रेक लिया और उसके बाद अब डायरेक्टली मैं हूँ लेह में। तो एक्चुअली इसकी दो वजह हैं, पहली वजह तो यह है कि उस सीन के बाद यानी उमेर की तबीयत ख़राब होने के बाद और टांगलंगला उतरने के बाद कोई ऐसा इंसिडेंस नहीं हुआ, कुछ ऐसी चीज़ नहीं हुई जो आपको हम दिखा सकते। दूसरी चीज़ और सबसे बड़ी चीज़ और सबसे ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ या बड़ी चीज़ जो थी वो ये थी कि हिम्मत ही नहीं थी करने की क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। ऑलमोस्ट 13-14 घंटे की लॉन्ग टॉर्चरस राइड के ड्राइव के बाद हम लोग पहुँचे लेह लद्दाख। तो टांगलंगला क्रॉस करने के बाद मेरी भी तबीयत थोड़ी डाउन हो गई और हिम्मत नहीं थी कुछ भी बात करने। और अच्छी तरह से नींद लेके फ्रेश होके अब मैं उठ चुका हूँ, नाश्ता कर लिया है, होटल हमने ले ही लिया है, कुछ इस टाइप का रूम है अपना, ये छोटा सा व्यू भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इस रूम से। तो इस होटल को हमने ऑनलाइन ही बुक करा लिया था लेकिन ऑनलाइन वाली बुकिंग में कुछ इशू हो गया तो हमें दोबारा से यहाँ पे सारा जो सिस्टम था वो करना पड़ा। फाइनली रूम मिल ही गया और आराम से नींद भी बढ़िया आ गई, गर्म पानी भी आ रहा है, नहाने में भी एकदम मस्त मज़ा आ गया। अब हमारा आज का प्लान यह है कि आज हमें सिर्फ रेस्ट करना है, अपनी बॉडी को एक्लिमेटाइज करना है इस
टफ एनवायरनमेंट के लिए, और कल हम या तो जाएंगे खारदुंगला या फिर जाएंगे पैंगोंग लेक। अभी हमें जाना है बाइक्स रेंट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो हमें लोकल साइट सीइंग करनी है वो सब बाइक्स पे करनी है। तो इस वीडियो को फिलहाल यहीं पे एंड करता हूँ। सांस बहुत ज़्यादा फूल रहा है तो बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हमारी ये पूरी जर्नी आपने एंजॉय करी होगी। अगर एंजॉय करी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको देखने को मिलती रहे। सांस बहुत फूल रहा है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। टाटा बाय बाय, और सफ़र में हमारे साथ ज़रूर बने।